वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। खिड़की से झांकते हुए मुझे आज एक ख्याल आया, ये खिड़कियां अगर नीली होती और ये चल रही होती तो शायद इंडिया की ट्रेन बन जाती। तो ट्रेन से मुझे कुछ यूं याद आए मेरे बचपन के किस्से कि एक आपके लिए एक पोयम लिखी है, आगे सुनिए। अगले हफ्ते हर थर्सडे मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारी इंडियन कल्चर और जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं उनमें से एक एक दोहे हो गए, श्लोक हो गए, आपको मैं उनके अर्थ इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगी। तो थर्सडे को भी देखना ना भूलिएगा, बने रहिए हमारे साथ स्ट्रीमर्स पर। वो भी क्या दिन थे जब हम भी बांधते थे अपना छोटा सा सूटकेस, उसमें होते थे दुनिया के खेल, ताश पत्ती, लूडो और सांप सीढ़ी, चंपक और नंदन वाली मैगजीन। नीली नीली रेलगाड़ी आती है पटरी पर, हम चढ़ते हैं उस पर, सीट नंबर ढूंढने का काम होता था हमारा, चेन बांधते हुए पापा को सूटकेस पर देखने में मज़ा आता था बड़ा। वो भी क्या दिन थे, जैसे ही रात होती लुका छुपी का खेल होता था शुरू, चप्पल ऐसी जगह छुपाते जो सुबह उठकर खुद भी भूल जाते। वो भी क्या दिन थे, सुबह एक मीठी सी आवाज़ सुनाई देती, चाय 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 ले लो चाय, फिर हम उस चाय में पार्ले जी को डुबा कर खाते, कितना मज़ा आता था। वो भी क्या दिन थे, चाय पे चर्चा तो शुरू हुआ है लेट, साथ वाली सीट पर बैठे दो दादाजी की चर्चा खत्म होती थी लेट, उनकी बातें सुनते सुनते मैं और दीदी चेस में करते थे चेकमेट। वो भी क्या दिन थे, दोपहर होते ही वो नन्ही सी टेबल बन जाती डाइनिंग टेबल, IRCTC का खाना आता, गरम गरम रोटी चावल, साथ में होता था अचार और सब्जी। वो भी क्या दिन थे, मन तो बहुत करता था लाल चेन खींचने का, हाथ आगे बढ़ाया पर पीछे से मम्मी चिल्लाई, उसे हाथ लगाया तो मोमो ठगनी चुड़ैल उठा के ले जाएगी। हे भगवान, इतना डर लगता था फिर कि आज तक उसे खींचा ही नहीं। वो भी क्या दिन थे, जब भी हम सड़क पार करते हम बच्चों को VIP वाली फीलिंग आती, आखिर आती भी क्यों ना, जब तक हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ जाती तब तक उस जगह की जनता उस सड़क को पार नहीं कर पाती। वो भी क्या दिन थे, शाम को पड़ोस वाले दीदी भैया आते थे, जान ना पहचान हमारे साथ खूब खेला करते। ये उन दिनों की बात है जब रिश्ते FB पे नहीं ट्रेन में बनते थे, डायरेक्ट मैसेज नहीं उनके एड्रेस पे चिट्ठी लिखकर भेजी जाती थी। वो भी क्या दिन थे, पापा ट्रेन घुमाने लेकर जाते, हम नन्हे बच्चों को देखकर सब मुस्कुराते, आखिर फोन जो नहीं थे। मुश्किल तो तब होती थी ट्रेन में जब उस हिलते हुए दो डब्बों के बीच वाले गलियारे से गुजरना होता था, हमारे पैर लड़खड़ा जाते और हम बोलते पापा गोदी। वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे जब हिलती हुई गाड़ी में ब्रश पर टूथपेस्ट लगाना एक कला थी, उस नल को एक हाथ से ऊपर उठाकर दूसरे से ब्रश करना एक समस्या थी, खिड़की से झांकते झांकते कब समय गुजर गया पता ना लगा, बाय बाय ट्रेन और नए साथियों, फिर मिलेंगे चलते चलते। वो दिन भी क्या दिन थे, लगता है आपको भी अपने बचपन की यादें याद आ गई होंगी, ट्रेन की वो बीते हुए लम्हे, जो अभी कहीं हम कैद हैं अपने घरों की खिड़कियों तक,
पर कोई नहीं, अब झांकना जरूर बनाए रखिए। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा स्ट्रीमर्स को।